हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल सिंपली बायो बाय रवि सर, आपका बायोलॉजी मेंटर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस साल का 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी का रिड्यूस्ड सिलेबस, 25% रिड्यूस सिलेबस, रिलेटेड टॉपिक्स को बारे में हम लोग देखने वाले हैं फॉर दिस एकेडमिक ईयर 2021-22। ओके, एंड दिस डिलीशन इज जस्ट लाइक व्हाट हैज बीन डन लास्ट ईयर आल्सो। तो लास्ट ईयर COVID-19 सिचुएशन की वजह से जो डिलीशन किए थे, सेम डिलीशन इस साल भी है। इसके लिए हम लोग आज के सेशन को एकदम शॉर्ट में देखने वाले हैं, और डिटेल में अगर आपको टॉपिक के डिटेल के बारे में जानकारी करना है तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट ईयर का जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, जिसमें ज्यादा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है अबाउट। चलिए, तो डिलीटेड पोर्शन फ्रॉम दिस ईयर्स 11th बायोलॉजी टेक्स्ट बुक, नॉन इवैल्यूएटिव पोर्शन के बारे में देखेंगे। एंड दिस हैज बीन डन बिकॉज द COVID-19 सिनेरियो इन आवर स्टेट स्टिल रिमेन द सेम। एक्चुअली इन द इंटायर इंडिया में ओवरऑल COVID-19 का सिचुएशन जो है अभी तक कंट्रोल में नहीं है, पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। कॉलेजेस स्टिल हैव नॉट ओपनड, यू कैन सी ऑफलाइन, तो अल्टीमेटली इज वेरी, लेकिन अभी तक उसके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। ऑनलाइन ही सब चल रहा है, स्ट्रेस लेवल अभी भी ज्यादा है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ ऑनलाइन सो मेनी लिमिटेशंस की वजह से अल्टीमेटली स्टडी पे थोड़ा स्ट्रेस भी है, एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। तो इसके लिए गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दिस ईयर ऑल्सो इन द सेम लाइन, नॉट ओनली फॉर 11th, 12th के लिए भी पोर्शन को रिड्यूस किया गया है। चलिए नाउ, तो ये एक बार देख लेते हैं, एक समराइज कर लेते हैं कि इस साल के सिलेबस में, मतलब आपके 16 चैप्टर में से तो कुछ चैप्टर पूरी तरह डिलीट हुए हैं, कुछ चैप्टर पार्शियली डिलीट हुए हैं, किसमें मेजर डिलीशन है। ओके, तो उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ओके, फिर शॉर्ट में हर चैप्टर वाइज देखेंगे कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं। ओके, चलिए, तो द एंटायर वैकेंसी आपका जो सिलेबस है, जिसमें 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस 16 चैप्टर्स आर देयर डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स। ओके, तो यूनिट 1 जो है उसमें पहले चार चैप्टर्स है। ओके, तो चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 आर इंक्लूडेड इन यूनिट 1। एंड यूनिट 2 में आपके 3 चैप्टर्स है, सेल से रिलेटेड, सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, बायोमोलिक्यूल, सेल डिवीजन। यूनिट 3 में आपके 4 चैप्टर्स है, चैप्टर 8, 9, 10 एंड 11। चैप्टर 4 में 2 चैप्टर्स है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, चैप्टर 12 एंड 13। एंड लास्ट यूनिट हैज 3 चैप्टर, ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड ये यूनिट है। ओके, तो दिस 5 यूनिट्स आर जस्ट लाइक इवन यू कैन सी सीबीएसई का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी का सिलेबस है, सेम वैसा सिमिलर ही है। ओके, और इन द सेम लाइन सीबीएसई ने जिस प्रकार के अपने चैप्टर्स में डिलीशन किया है, इन द सेम लाइन एचएससी, यू कैन सी बोर्ड आल्सो हैज डन द सेम टाइप ऑफ डिलीशन। ओके, ताकि नीट लेवल जो है, नीट का जो पोर्शन होगा वो भी आइडेंटिकल हो जाए। ओके, सो दैट यू कैन सी प्रिपरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी सिमिलर ऑल ओवर, यू कैन सी अवर कंट्री। ओके, तो अभी आप अगर देख रहे हो, हर चैप्टर को अलग कलर से लेबल किया है, कुछ ब्लू है, कुछ ग्रीन है, रेड है, क्या मतलब है इसका? तो ऑल दोस चैप्टर्स विच आर लेबल्ड बाय ग्रीन, मतलब इन चैप्टर में से कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, जैसे चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, फिर चैप्टर 10, चैप्टर 12, 13 एंड 15, दिस चैप्टर्स आर केप्ट इंटैक्ट, नॉट ए सिंगल टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर हैज बीन रिमूव्ड। ओके, फिर जो आपके ब्लू से जो लेबल किए हैं चैप्टर्स, चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, फिर आपका 9th चैप्टर, 11th चैप्टर और 16th चैप्टर है, इनमें पार्शियल डिलीशन किया गया है, यानी कि आइदर मेजर और माइनर, एक से कुछ टॉपिक, कुछ चैप्टर में थोड़े टॉपिक डिलीट किए हैं, कुछ चैप्टर में ज़्यादा टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। एंड जो रेड कलर से या ब्राउन जो भी आपको कलर शेड दिख रहा होगा, ओके, आपके सिस्टम में, तो चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 14 हैज बीन फुल्ली डिलीटेड, यानी कि इस चैप्टर को आपको इस साल बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है। लेकिन बच्चों, अगर आप नीट देना चाहते हो तो ये बाकी का जो डिलीटेड पोर्शन है उसके भी रीडिंग कीजिए, बिकॉज आपका नीट सिलेबस नेक्स्ट ईयर आने वाला है, तो उसमें कौन से टॉपिक होंगे, कौन से नहीं, वो नेक्स्ट ईयर जब आपका, आपके ये जो नीट टॉपिक आ जाएगा तब आप उसको फिर डिटेल में पढ़िए। ओके, लेकिन रीडिंग, लेकिन जो खाली नीट नहीं देना चाहते हैं, ओके, या सीईटी देना चाहते हैं, एमएससी सीईटी, मतलब महाराष्ट्र का सीईटी देना चाहते हैं, उनके लिए नेचुरली ये सिलेबस का स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डिलीटेड पोर्शन को आपको फिर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। चलिए, अब चैप्टर वाइज देखते हैं फटाफट, क्योंकि डिटेल में बोल रहा हूँ, डिटेल में अगर आपको हर चैप्टर के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे जो इस वीडियो के लिंक में जो है, ओके, डिस्क्रिप्शन के लिंक में दूसरे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, उसको आप फॉलो कीजिए। तो यूनिट 1 लिविंग वर्ल्ड में
सात टॉपिक में से छह टॉपिक को डिलीट किया है। दिस आर द टॉपिक जिसको आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जोलॉजिकल पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क एंड टेक्सोनॉमिकल की, इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो टोटल जो है आपका डिलीशन है 60%, तो मेजर पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन डिलीटेड। चलिए चैप्टर टू की बात करते हैं, सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए हर एक ऐसी चैप्टर का पेज नंबर भी दिया हुआ है, तो आपको खाली इस पेज नंबर पे जाना है, पेंसिल से ये टॉपिक्स को डिलीट कीजिए। ओके ओके, पेन से बिल्कुल मत कीजिए, अदरवाइज दैट बुक विल नॉट बी यू कैन सी यूज फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो बुक को संभालना आपको, पेंसिल से खाली क्रॉस करके देखिए। ओके या जो पेजेस है उसको आप स्टेपल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 14 टॉपिक्स है, 12 टॉपिक्स को डिलीट किया गया है, सिस्टमैटिक नहीं पढ़ना है। 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, यानी कि शुरुआत के फर्स्ट 11 टॉपिक्स आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है बच्चों। तो मेजर पोर्शन तो, और लास्ट का 2.12 भी आपको नहीं पढ़ना है। तो इस चैप्टर में से भी ओवरऑल 31% डिलीशन हुआ है। ओके मतलब पेज वाइज, अगर कंटेंट वाइज देखेंगे तो 31% डिलीशन इस चैप्टर में से हुआ है। अगर आप चैप्टर थ्री की बात करेंगे, प्लांट किंगडम, पेज नंबर 1928, तो इसमें खाली एक छोटा सा सब टॉपिक डिलीट किया गया है। ओके तो एंजियोस्पर्म वाला टॉपिक जो फ्लावरिंग प्लांट है, इस टॉपिक को आपको पूरे चैप्टर में नहीं पढ़ना है, बाकी सब टॉपिक आपको पढ़ना है। खाली ऑलमोस्ट एक पेज आपको इस चैप्टर का नहीं पढ़ना है, यानी कि ओनली 10% डिलीशन बोल सकते हैं। ओके तो माइनर डिलीशन इस चैप्टर का हुआ है। फिर चैप्टर फोर एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमेलिया। ओके तो इसमें से एक भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। तो ऑल द टॉपिक यू हैड टू स्टडी, मतलब नो टॉपिक इज डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर। सो अल्टीमेटली 0% डिलीशन इस चैप्टर का हुआ है। तो ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है बच्चों। ओके चलिए अभी यूनिट टू की बात करेंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कोई भी टॉपिक इस चैप्टर का भी डिलीट नहीं हुआ है, तो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। सेल इज द बेसिक, वन ऑफ द बेसिक यू कैन से कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी। तो देयर इज नो डिलीशन, जीरो डिलीशन। तो फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए तो नेचुरली आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे जो पिछले साल मैंने जो वीडियो बनाया था इसी एकेंसी एस्पेक्ट का सर्वर, उसको आप देख लीजिए, उसमें ज़्यादा डिटेल एकेंसी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे अभी हम लोग शॉर्ट में ही एकेंसी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके चलिए तो चैप्टर सिक्स बायोमोलिक्यूल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से भी कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं है, नो टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर हैज बीन डिलीटेड। पूरा चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स को आपको स्टडी करना है। ओके तो 0% डिलीशन इस चैप्टर का। फिर यूनिट टू का जो थर्ड चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, सेल डिविजन, तो ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस चैप्टर के भी कोई टॉपिक डिलीट नहीं किया गया, यानी कि सेल से रिलेटेड यूनिट टू का कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया है, चैप्टर डिलीट नहीं किया है। ओके तो 0% डिलीशन इस चैप्टर से भी है। चलिए अभी यूनिट थ्री की बात करते हैं। तो यूनिट थ्री इज अबाउट मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी। तो प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी, इस चैप्टर के सारे आठ टॉपिक्स जो है डिलीट कर दिए है। टिश्यू, मैथमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, सेकेंडरी ग्रोथ, वुड एंड कॉकैम्बियम, सारे टॉपिक टोटल 8.1 से 8.7 सारे डिलीट किए गए हैं। ओके तो आपका 100% डिलीशन है। तो खुश हो जाओ बच्चों, इस चैप्टर के लिए आपको पढ़ना नहीं है इस साल। ओके चलिए फिर चैप्टर थ्री का नेक्स्ट है मोर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट। इसमें से भी मेजर पोर्शन को डिलीट किया गया है। ओके तो एंजियोस्पर्म्स आपको नहीं पढ़ना है, मोर्फोलॉजी के रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, सीड, इसको नहीं पढ़ना है, इन टॉपिक्स को छोड़ के। फिर फैमिली फेबेशिया, तो तीन फैमिली में से एक फैमिली आपको स्टडी नहीं करना है, सोलेनेशिया एंड लिलीशिया आपको स्टडी करना है। ओके तो अभी हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं डिलीटेड टॉपिक्स को हम लोग, तो ये टॉपिक्स जो है ये आप अपने बुक में मार्क कर लीजिए, क्रॉस कर लीजिए पेंसिल से। ओके इनको नहीं पढ़ना है क्योंकि इन पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो 10 पेजेस फ्रॉम दिस चैप्टर, तो मेजर डिलीशन है इसमें 53% तक का। चलिए नेक्स्ट इज आपका एनिमल टिश्यू, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द एनिमल, यू कैन सी व्हाट एस्पेक्ट। तो इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, यू नो। ओके इसमें आपको मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टेड टिश्यू, ये सब पढ़ने हैं, एपिथेलियल टिश्यू जो आपने नाइन्थ में भी पढ़े हैं, इस चैप्टर का एक भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है। तो 0 डिलीशन फ्रॉम दिस चैप्टर। चलिए स्टडी ऑफ एनिमल टाइप कॉकरोच में माइनर एकेंसी वॉट टॉपिक को ही रखा गया है, बाकी पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट साफ किया गया है। तो उन्हें बेसिक एस्पेक्ट ऑफ कॉकरोच आपको स्टडी करना है, तो बाकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बॉडी कैविटी, बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं, यानी कि पहला टॉपिक, पहले दो टॉपिक और लास्ट का एक टॉपिक खाली आपको स्टडी करना है। 11.1 एंड 2
आपको स्टडी करना है 11.11 टॉपिक, ओके लास्ट टॉपिक आपको स्टडी करना है। तो इस चैप्टर को भी नेचुरली रिड्यूस कर दिया है, मेजर डिलीशन इस चैप्टर में से 73% डिलीशन इस चैप्टर में से किया गया। चलिए फिर चैप्टर नंबर 4 फोटोसिंथेसिस, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाला चैप्टर है, फंडामेंटल लाइफ एक्टिविटी वाला चैप्टर है, तो इस चैप्टर को तो बिल्कुल डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो नन ऑफ दिस चैप्टर इज बीन डिलीटेड, फुल चैप्टर आपको इस साल पढ़ना है, तो जीरो डिलीशन इस चैप्टर में से। उसी तरह नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 13 जो है रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, इसको भी आपको पूरा पढ़ना है, नन ऑफ द टॉपिक हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर, क्योंकि रेस्पिरेशन के बाद जो सेकंड फंडामेंटल लाइफ एक्टिविटी है वो रेस्पिरेशन है। ओके तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बायोलॉजी का, तो इसका मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड जो सबसे बेसिक एस्पेक्ट्स है कंसेप्ट्स है उससे रिलेटेड टॉपिक को बिल्कुल डिलीट नहीं किया गया। फिर ह्यूमन न्यूट्रिशन इंटरेस्टिंगली, ओके तो इसके पूरा चैप्टर डिलीट किया गया है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इस साल आपको पढ़ना नहीं है, डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि रिलेटिवली इट इज ए सिंपलर टॉपिक, ओके शायद इसके लिए इसको डिलीट किया गया है। ओके तो सारे के सारे पेजेस आपको नहीं पढ़ने हैं, ओके लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जो है 15 एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोस रेगुलेशन, ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा सा यू कैन सी व्हाट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू डाइजेस्टिव सिस्टम से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट है, उसको रखा गया है। तो नन ऑफ दिस टॉपिक चैप्टर हैज बीन डिलीटेड, तो पूरा चैप्टर आपको इस साल पढ़ना है बच्चों, जीरो डिलीशन फ्रॉम दिस चैप्टर। फिर चैप्टर 16 की बात करेंगे जो लास्ट चैप्टर है, ओके तो इसमें से भी मेजर पोर्शन को डिलीट किया गया है, ऑलमोस्ट मूवमेंट लोकोमोशन स्केलेटल सिस्टम, मतलब आपको हड्डियां नहीं पढ़नी है, जॉइंट्स नहीं पढ़ने हैं और डिजीज रिलेटेड टू मसल्स नहीं पढ़ने हैं, तो ऑलमोस्ट यू कैन सी व्हाट इसमें भी 68% जो पोर्शन है मतलब उसको डिलीट किया गया है कंटेंट वाइज, यानी कि मेजर डिलीशन इस चैप्टर। और ये जितने भी डिलीशन आपको यहाँ पे दिखाए गए ये सब CBSE या NCERT के कॉरस्पॉन्डिंग चैप्टर्स के डिलीशन के हिसाब से ही किए गए हैं, ओके सो दैट नीट का अगर पोर्शन वो तैयार करेंगे उसके हिसाब से इट विल बी व्हाट यूनिफॉर्म ऑल ओवर आवर कंट्री। ओके तो HSE जो बोर्ड ने उसने CBSE के हिसाब से इन द सेम लाइन सेम काइंड्स सेम टाइप के डिलीशंस किए हैं। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो गया। फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो दैट लिंक विल बी प्रोवाइडेड, आप उसको वापस देख सकते हैं। ओके तो थैंक्स, और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो उसको बिल्कुल रिलैक्स मत होइए आप, और अपने एजेंसी जो स्टडी है जो भी स्टडी का मैकेनिज्म या तरीके से आप स्टडी कर रहे हो ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको पूरा एजेंसी वॉट मेहनत से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, सिंसियरली कीजिए, ओके एंड यू हैव टू वेरी सीरियस अबाउट द स्टडी, क्योंकि शायद अगर COVID-19 का कंडीशन अगर ठीक नहीं हुआ तो सेम लाइन से जिस तरह 10th और 12th के एग्जामिनेशन कंडक्ट किए गए उसका एवोल्यूशन होना तो इस साल भी होगा। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी एग्जामिनेशन जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाएगा अच्छी तरह उसको प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज दैट विल मेक ए लॉट्स ऑफ डिफरेंस इन योर वैकेंसी वॉट रिजल्ट। और 11th का रिजल्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए, क्योंकि 12th के रिजल्ट के लिए 11th के मार्क्स को भी कंसिडर किया गया है, ओके इस साल के लिए, क्योंकि कल 12th का रिजल्ट आने वाला है, ओके तो दैट विल मेक ए डिफरेंस, तो टेक योर 11th स्टैंडर्ड वेरी सीरियसली स्टूडेंट्स फॉर दिस ईयर। ओके ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स फॉर टुडे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल, ओके सो दैट यू कैन गेट यू कैन सी सिंप्लीफाइड, डिटेल में भी है, नीट लेवल का भी कंटेंट है, सिंप्लीफाइड भी है, ओके तो यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक इजीली। तो माय YouTube चैनल है सिंपली बायो बाय रवि सर। थैंक्स बच्चों, मीट यू अगेन